भी ओपन है। अभी हम एक नेक्स्ट स्टेप देखने वाले, मतलब नेक्स्ट मेथड देखने वाले जहाँ से आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, ठीक है। तो अभी जो हम लोग टूल यूज़ करने वाले वो हम लोग मैन इन द मिडल अटैक में भी यूज़ करने वाले हैं, जिसका नाम है एथर कैप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एथर कैप के बेसिक के साथ। उसके बाद आने वाले लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग एथर कैप के थ्रू किसी भी चीज़ को स्निफ कर सकते हैं, उसका लॉगिन पासवर्ड स्निफ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए एथर कैप का बेसिक कर लेते हैं। तो एथर कैप स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर आपको दो तीन फाइल को कुछ एडिट करना होगा, क्योंकि आप उसको एडिट नहीं करोगे तो आपको बहुत सारे एरर मैसेज आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ गिनी जी, जो हम लोग यूज़ कर रहे थे पाइथन के लिए, राइट। तो ये आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। और मैं यहाँ पर लिखता हूँ etc एटर और यहाँ पर आएगा etter.conf। सो आपको यहाँ पर सूडो देना, नहीं तो वो फाइल सेव नहीं होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो स्टार्टिंग में जो भी नंबर दिया रहेगा उसको सबसे पहले ज़ीरो करना है। तो ये बेसिकली कुछ इफेक्ट नहीं होगा, पर मैंने देखा था कि मुझे वार्निंग एरर रिसीव हो रहा था उसकी वजह से, तो मैंने इसे ज़ीरो कर दिया। तो अभी वो वार्निंग मैसेज शो नहीं कर रहा है। अभी मैं यहाँ पर नीचे जाऊँगा एंड आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको एक आईपी, हाँ आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर शो कर रहा है आईपी टेबल्स। तो हमें यहाँ पर आईपी टेबल्स यूज़ करना है एंड यहाँ पर आपके सामने हैश होगा, तो आपको वो हैश को रिमूव करना है। हैश मतलब होता है कमेंट, मतलब वो उस चीज़ को रीड नहीं करेगा। तो आपको इस दोनों हैश में से रिमूव करना है। आपको IPv6 का करना है तो कर सकते हो, बट मैं इस लेक्चर में हम IPv6 का यूज़ नहीं ले रहे, हम सिर्फ IPv4 का ले रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर हैश निकाल दिया, राइट। और आपको कुछ चेंजेस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, एंड यस आपको यहाँ पर और चेंजेस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसे फाइल में जाकर सेव कर दीजिए, ठीक है। एंड अभी ये ऑल सेट हो चुका है। अभी हम लोग यहाँ पर एथर कैप को यूज़ कर सकते हैं। अभी एथर कैप को यूज़, यहाँ पर दो मेथड है आप एथर कैप को यूज़ कर सकते हो, या फिर आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपको एथर कैप मिल जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हो एथर कैप ग्राफिकल, आप ये ग्राफिकल यूज़ कर सकते हो एथर कैप को। बट होता क्या है कि ग्राफिकल का बहुत नए नए अपडेट्स आता है, एंड जो ग्राफिकल में कुछ नया अपडेट आया तो आप इस लेक्चर में जो सिखाया है एंड फिर आगे कुछ अपडेट आया तो वो वर्क नहीं कर सकता है। तो कभी भी आप प्रिफर करोगे तो कमांड लाइन यूज़ करना, ठीक है, कमांड लाइन इज़ बेस्ट है। तो चलिए मैं इसे क्लियर करता हूँ। और मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ टेक्स्ट मोड कमांड लाइन के साथ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सूडो सू। सूडो सू मतलब आप डायरेक्टली रूट यूज़र में चले जाओगे, तो आपको बार बार सूडो टाइप करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर अच्छे से दिख जाना चाहिए। और इसे मैं बंद कर देता हूँ, अभी इसका बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, डोंट सेव। अब यहाँ पर परफेक्ट है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ एटर कैप। मैं यहाँ पर सूडो क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले से ही रूट में हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एटर कैप प्रोवाइड करता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेल्प। अभी आपको इसका बस खाली यूसेज देखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर यूसेज है, यहाँ पर एटर कैप, यहाँ पर आपको ऑप्शन डालने हैं, जो भी ऑप्शन आपको यूज़ करना है, ठीक है। मेरे केस में हम लोग टेक्स्ट मोड यूज़ करने वाले क्वाइट के साथ। आप स्क्रिप्ट भी यूज़ कर सकते हो। क्वाइट मतलब कि देखिए, जब एटर कैप रन होता है ना तो बहुत सारे पैकेट्स फ्लो होते हैं, तो वो सब पैकेट्स कंटेंट शो करना शुरू कर देता है। उसके कारण होता क्या है कि जो आपका मेन इन्फॉर्मेशन रहता है वो सब छुप जाता है। इसके लिए आप क्वाइट कमांड ऑलवेज यूज़ करना। आप एक बार ट्राई करके देखिए, टेक्स्ट मोड में यूज़ करना, बट क्वाइट यूज़ करके मत देखना, और देखना कि क्या होता है आपके टर्मिनल में, बहुत सारे पैकेट्स फ्लो करने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एटर कैप, मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेक्स्ट मोड क्यू। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आपको टारगेट प्रोवाइड करना है, और यहाँ पर टारगेट का आपको यहाँ पर एक ये दिया, मतलब कैसे यूज़ करना है आपको यहाँ पर बताया। यहाँ पर आपको तीन स्लैश यूज़ करना है, जिसमें पहले मैक होगा, हम लोग मैक यूज़ नहीं करने वाले तो आपको ये नहीं प्रोवाइड करना है। आप देख सकते हो फर्स्ट कॉलम के बाद IP होगा, ठीक है, और IPv6 पोर्ट्स, ठीक है। तो अभी करंटली हमें ये तीनों हम लोग नहीं पुट करने वाले, क्योंकि हम सब क्लाइंट को टारगेट करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे अभी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं इधर थ्री स्लैश डालूंगा। फर्स्ट स्लैश में क्या आता था, हमारा मैक एड्रेस, जो हम मैक एड्रेस का यूज़ नहीं लेने वाले, हम IPv4 का लेने वाले। तो यहाँ पर आपको इस कॉलम में डालना होगा, ठीक है, जब हम लोग देखेंगे किसी को स्पेसिफिक क्लाइंट को टारगेट करेंगे तो। एंड जो थर्ड कॉलम में IPv6 आता है, और जो लास्ट कॉलम में पोर्ट आता है, ठीक है। अभी हम करेंटली यहाँ पर कुछ पुट नहीं करेंगे, मैंने यहाँ पर उसको बोल दिया है कि सब चीज़ को टारगेट करने के लिए। अब मैं इसे एंटर हिट करता हूँ। अब ये देख सकते हो यहाँ पर स्कैनिंग स्टार्ट हो चुका है। तो ये इन्फॉर्मेशन गैदरिंग लेक्चर है। अभी ये बोल रहा है कि टेक्स्ट ओनली इंटरफेस एक्टिवेटेड, हिट एच फॉर इनलाइन हेल्प। मैं यहाँ पर हेल्प प्रेस, एच प्रेस जैसे ही प्रेस करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं।
यहाँ पर एक्टिवेट अ प्लगइन। अभी प्लगइन हम एक्टिवेट कर सकते हैं, बट हमने कुछ अटैक ही रन नहीं किया, हमने कौन सा अटैक कौन सा मेथड वो चीज़ हमने रन नहीं किया, तो अभी प्लगइन एक्टिवेट करके कुछ फ़ायदा नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम। उसके बाद यहाँ पर दिया डीएक्टिवेट अ फिल्टर प्रिंट द होस्ट फाइल, हमें करेंटली देखना है हमें प्रिंट द होस्ट लिस्ट, ठीक है हमें ये चीज़ देखना है, तो इसके लिए हमें एल प्रेस करना है। मैं यहाँ पर जैसे एल प्रेस करूँगा ये आपको बताएगा आपके कनेक्टेड क्लाइंट्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपके पास आपके डिवाइस में करंटली दो क्लाइंट कनेक्टेड है, एक तो मेरा विंडोज़ वर्चुअल वाला विंडोज़ मशीन है उसका मैक एड्रेस आप यहाँ पर देख सकते हो, और एक ये वाला अपना होस्ट मशीन जो मेरा ये विंडोज़ का है, ठीक है ये इसका आईपी 249 है। तो आपने देखा कि एथरकैप ने कैसे हमारे लिए इंफॉर्मेशन गैदर करके रखा, तो आप एथरकैप के थ्रू भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, एन मैप के थ्रू भी कर सकते हो। मैं ज़्यादातर प्रीफर करता हूँ एन मैप के थ्रू क्योंकि एन मैप मुझे आता है, एंड अभी आप न्यू हो तो आपको एन मैप के बारे में इतना नहीं पता, बट आने वाले लेक्चर में जैसे जैसे उसकी ज़रूरत होगी तो मैं आपको बताऊंगा एन मैप, एंड जब आप एन मैप यूज़ करोगे तो आपको भी एन मैप ही आपका जो फर्स्ट प्रेफरेंस होगा आपका भी एन मैप होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कैसे हम लोग एथरकैप का बेसिक यूज़ करते हैं और थोड़े एथरकैप के जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसे चेंजेस किया सो दैट कि हमें कुछ एरर नहीं आया। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एथरकैप के थ्रू हम लोग ARP स्पूफ एंड मैन इन द मिडल अटैक परफॉर्म करने वाले हैं। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइस।